संगठनात्मक बैठक है। महिला मोर्चा का जैसे संगठन विस्तार हुआ तो सबसे पहले हर एक जिला में हम लोग प्रवास करना प्रारंभ किए हैं और पहली जिला है हमारा भोजपुर जिला और हम लोग माँ बखेरापुर वाली का दर्शन करके इनको प्रारंभ किए हैं और मुख्य रूप से जो वार्ता इसमें बातचीत करनी है ये बैठक नहीं है, ये कार्यकर्ताओं से साक्षात्कार और आमने सामने बातचीत होगी और इसमें हम लोग पूरे संगठन के विस्तार में कहाँ तक मंडल और कहाँ तक बूथ तक हमारी महिला मोर्चा की टीम पहुँची है और हमारे मोदी जी का जो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और द्वितीय सत्र का जो 1 साल पूरा हुआ है उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारा वो जो पत्रक है, पत्रक वितरण, मास्क वितरण कहाँ तक पहुँचा है, किस स्थिति में है और उसमें और गति कैसे है, उस पर हम लोग आज विचार विमर्श करने उसमें काम करेंगे। डीजल और दाम की बढ़ोतरी को लेकर पूरे प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरे हुए नहीं। देखिए ये तो सरकार की नीति है, जब हमारा बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, कच्चा माल आ रहा है तो फिर ये सरकार की नीति होती है, इस पर वो तय करते हैं सरकार अपने स्तर से जो क्या करना है, किस चीज़ के दाम बढ़ रही है। कम भी तो हुई थी बीच में तो उसमें तो तब तेजस्वी यादव नहीं बोले थे कि बहुत कम हो गया है। जब बढ़ता है तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है कोई मुद्दा उठा के उस पर बात करना, क्योंकि उनकी अपनी जमीन जो खिसक चुकी है, उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व रह नहीं गया है, तो कोई भी मुद्दा लेके वो अपनी बात करते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे आरजेडी के नेता हैं जो कि जदयू में ज्वाइन कर रहा है, भाजपा में क्यों नहीं बोला? नहीं, हमारा ये कहना है कि भाजपा सभी को अपने ही में समावेश करने का ये नहीं रहता है, अपनी मर्जी है, जिसको जिसमें जाने की इच्छा होती है जाती है, जिसको जदयू में जाने का मन हो, जिसको आरजेडी में जाने का मन हो, जबरदस्ती तो किसी का है नहीं। और आप जानते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कार्यकर्ताओं की सबसे ज़्यादा पूछ होती है, सबसे ज़्यादा महत्व है, तो जिसकी वो अपनी स्वयं की इच्छा है, जो आरजेडी में जाना चाहे, जो जदयू में जाना चाहे, भाजपा में आना चाहे, उसका स्वागत है।